बिहार के नालंदा में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जिसमें दुल्हन का प्रेमी प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसकी मांग में सिंदूर डालने के लिए उसकी शादी में पहुंच गया। प्रेमी ने दूल्हे से पहले खुद सिंदूर निकालकर प्रेमिका की मांग में डाल दिया। इस घटना के बाद दुल्हन के परिजनों और लड़के वालों ने उसे पकड़ लिया और इतना पीटा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया। खून से लथपथ युवक अब अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। प्रेमी का कहना है कि प्रेमिका ने ही मांग में सिंदूर भरने के लिए बुलाया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं AY24 न्यूज। दरअसल मामला नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र की है, मुबारकपुर गांव की है। युवक प्रेमी की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है, लड़की भी उसी गांव की है। दोनों एक साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। जब घर वाले को पता चला तो उन लोगों ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी। ये बात लड़की को पता चली तो उसने प्रेमी को फोन करके बुलाया और कहा कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। लड़की ने कहा कि मेरे परिजन जबरन मेरी शादी कर रहे हैं, तुम आ जाओ और ठीक जयमाला के वक्त मांग में सिंदूर डाल देना। प्रेमिका की बात सुनने के बाद युवक जोश में आ गया और वो जयमाला के वक्त पहुंचा और मांग में सिंदूर डाल दिया। लेकिन उसके बाद उसकी पिटाई हो गई, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। देखिए ये वीडियो। चल।